सर, नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा हुई है, खंडेला को लेकर के क्या कहना है आपका? मेरा खंडेला को लेकर के यही कहना है कि नीम का थाना की जनता की कई वर्षों से मांग थी कि नीम का थाना जिला बने, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। पूरे राजस्थान में 19 जिले बनाए जाएंगे, उसमें एक नीम का थाना भी जिला बनेगा। इस बात के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का खूब आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं नीम का थाना की जनता का भी बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि कई वर्षों से उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई। जहाँ तक खंडेला का विधानसभा क्षेत्र का मामला है, खंडेला विधानसभा क्षेत्र की 45 पंचायत और 2 नगरपालिका, खंडेला और रेंगस, ये संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र सीकर जिले में ही है और सीकर जिले में ही रहे। जो अफवाहें चल रही है, आज से माने कि उनके ऊपर सब पे विराम लग जाएगा। आप सब जो अफवाहें हैं ये गलत हैं, इन पे कोई विश्वास न करें। मैं तो विधानसभा क्षेत्र खंडेला की जनता को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा खंडेला विधानसभा क्षेत्र सीकर में ही रहेगा, अफवाहों में ना आएगा।